नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत के जेम्स बॉन्ड और एनएसए अजीत डोभाल ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां पर वो बड़ी बातचीत को अंजाम दे सकते हैं। ऋषि सुनक सरकार के कई मंत्रियों से उनकी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी वो कई मुद्दे उठा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा वो ब्रिटिश एनएसए से भी मुलाकात करेंगे। हाल ही में अचानक हुए दौरे को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि आखिर अजीत डोभाल क्यों ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है। तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपने समकक्ष टिम बैरो से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों और पीएम मोदी को टारगेट करने वाली डॉक्यूमेंट्री पर बात करेंगे और विरोध भी जताएंगे। इसके साथ ही इस बातचीत में कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित खालिस्तान आंदोलन को लेकर भी वो चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल ब्रिटेन में है और वहां पर वो ब्रिटिश एनएसए से मुलाकात करके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, इसके अलावा कश्मीर मुद्दे पर बातचीत कर सकेंगे और भारत की तरफ से विरोध जता सकते हैं। इससे पहले डोभाल ने वाशिंगटन में अपने अमरीकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ भी बातचीत की थी। इसके बाद वो ब्रिटिश सिक्योरिटी एडवाइजर बैरो के साथ मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जब ये बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर दोनों देशों की तरफ से तमाम बातें कही जाएंगी। वहीं एनएसए अजीत डोभाल भारत की तरफ से कड़ा विरोध कई मुद्दों पर जता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ जिस तरीके से पिछले वक्त में भारत के रिश्ते रहे हैं, भारत हमेशा से बेहतर करने का प्रयास करता रहा, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो उसके बाद भारत के रिश्तों में थोड़ा खटास नजर आई और ये कहा गया कि शायद ब्रिटेन भारत को टारगेट कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने ये भी मुद्दा एनएसए अजीत डोभाल उठा सकते हैं। साथ ही वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को लेकर भी तमाम तरीके की बातें ब्रिटेन में उनके प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। एनएसए डोभाल कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भारत का विरोध करने वाले पाक इस्लामी समूहों के अलावा सिख कट्टरपंथी समूहों के मुद्दों को उठा सकते हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार भारत द्वारा ब्रिटेन में सिख अलगाववाद के मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद यूके सरकार ने भारत में समुदाय के खिलाफ मनगढ़ंत अत्याचार के नाम पर ब्रिटेन में कट्टरपंथी गुरुद्वारों के माध्यम से खालिस्तान आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मोदी सरकार का मानना है कि ब्रिटेन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है और कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे मामले पर ब्रिटेन के एनएसए से बात करेंगे। इसके अलावा ऋषि सुनक तक भी बात पहुंचाई जाएगी कि मोदी सरकार और एनएसए अजीत डोभाल ने इन मुद्दों पर कड़ा विरोध जताया है और वो आजादी के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैला रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, उसे रोका जाना चाहिए, भारत के खिलाफ साजिश नहीं रची जानी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबान के भी मुद्दे वो उठा सकते हैं और ब्रिटेन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहें, इसको लेकर भी एनएसए अजीत डोभाल चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर निश्चित तौर पर एनएसए अजीत डोभाल बात करेंगे, इसीलिए वो ऋषि सुनक के घर यानी ब्रिटेन पहुंचे हैं, जहां पर ये बड़ी बैठक में तमाम बातें होनी हैं।